दिल्ली अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज बाय मंगोल इन्वेशन से दिल्ली अथॉरिटी को हमेशा से चैलेंज मिलता रहता था फ्रॉम अफगानिस्तान. मंगोल कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे. एंड बाय गवर्नर्स हु रेबल एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेसेस. मतलब क्या होता था, जो अफगानिस्तान से जो मंगोल जो अफगानिस्तान से आने वाले जो मंगोल थे हमलावर थे वो, और उन सूबेदारों से बराबर उन्हें दिल्ली सुल्तान को चुनौती मिलती रहती थी. जो ज़रा सी, मतलब अगर आप में ज़रा सी सुल्तान की उन्हें वीकनेस पता चल जाए तो वो क्या करते थे वहाँ पर, हमेशा रिबेल का, रिबेल एट साइन, मतलब वो विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे. और क्या होता था, जो अफगानिस्तान के जो मंगोल थे वो क्या करते थे, उन्हें थोड़ा सा भी अगर साइन मिल जाए दिल्ली सुल्तान की कमजोरियों का तो वो हमेशा क्या करते थे, वहाँ पे विद्रोह करना स्टार्ट कर देते थे. एंड इफ कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन, और ये जो कंसोलिडेट, मतलब इन चुनौतियों के जो चलते क्या हुआ कि जो सल्तनत थी बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थे, ठीक है, इसके कारण अपने आप को बहुत ही मुश्किल से इस सल्तनत ने अपने आप को बचा के रखा था, सरवाइव कर रही थी इन चैलेंजों के बीच में सल्तनत, बारली सरवाइव दीज चैलेंज. और इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रिज ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर अलाउद्दीन खिजली एंड मोहम्मद तुगलक के राजकाल में. यू कैन से मुश्किल से किसी तरह ये अपने आप को बचा रही थी ये सल्तनत. एंड इसका जो एक्सपेंशन हुआ, इसका जो एक्सपेंशन हुआ वो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के राज में, मतलब मोहम्मद तुगलक के किंगडम राजकाल में इनका एक्सपेंशन हुआ, ड्यूरिंग द रिज मतलब राजकाल में इनका एक्सपेंशन हुआ. एंड राजकाल में इनका एक्सपेंशन हुआ. द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेनियंस अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town. जो सल्तनत की जो इंटरनल फ्रंटियर्स में जो भी बातें चल रही थी, मतलब जो भी एम था उनका, जो कंपेनियन चल रहा था उनका जो एम था, वो उनका एम क्या था, उनका एम था जो हिंटरलैंड्स है, हिंटरलैंड्स को मजबूत करना था, हिंटरलैंड्स को उनके जो आसपास के एरिया थे उनको मजबूत करना था. उनका एम क्या था, जो गैरिसन टाउन्स है उनके एरिया, जो गैरिसन टाउन्स में आपके जो हिंटरलैंड्स हैं उनको मजबूत करना था, जो सुल्तान के, जो सल्तनत का एम था उनको मजबूत करना था. एंड ड्यूरिंग दिस कंपेनियन फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना डो, और इस कंपेनियन जो अभियान चल रहा था इसमें फॉरेस्ट, गंगा यमुना के पास जो फॉरेस्ट थे उनको क्या किया जा रहा था, दोआब जंगलों को साफ किया जा रहा था, दोआब मतलब लगातार उनको साफ किया जा रहा था. एंड हंटर गैदर एंड पास्टोरलिस्ट एक्सप्लेन फ्रॉम देयर हैबिटेट, और जो हंटर गैदर्स थे दोआब से, मतलब जंगलों को साफ किया जा रहा था, और जो हंटर गैदर्स थे और जो पास्टोरलिस्ट थे, पास्टोरलिस्ट चरवाह जो थे उनके जो घर थे वो भी उजाड़ दिए जा रहे थे. जो हंटर गैदर्स थे वो हंटिंग करने कहाँ जाएंगे, वो फॉरेस्ट में जाएंगे, अगर आप फॉरेस्ट साफ कर दोगे तो वो कहाँ जाएंगे, इसीलिए उनके लिए भी कोई काम नहीं रह गया, उनको वहाँ से निकाला गया. जो पास्टोरलिस्ट थे, जो चरवाहा थे वो भी वहाँ पर जाते थे, उनका भी वहाँ पे घर था, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया. एंड दीज लैंड्स वर गिवन टू पीसेंट, इन लैंड्स को किसको दे दिया गया, पीसेंट्स को ये लैंड दे दिया गया. एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज, और एग्रीकल्चर को एनकरेज किया गया. देन न्यू फोर्ट्रेसेस, देन आफ्टर दैट एग्रीकल्चर को न्यू
fortresses, garrison towns and towns were established to protect trade routes and to promote regional trade. क्या किया गया, न्यू फोर्ट्रेसेस को, नए किलों को बनाया गया, नए किले और सिटीज को बसाया गया, गैरिसन टाउन्स को बसाया गया, न्यू सिटी किले को बनाया गया, टाउन्स को इस्टैब्लिश किया गया और इनको इस्टैब्लिश किया गया, इनको प्रोटेक्ट किया गया. प्रोटेक्ट किया गया मीन्स कि ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट किया गया रीजनल ट्रेड होने के लिए. प्रमोट क्या हुआ कि रीजनल ट्रेड हो, मतलब कि अपने ही एरिया में वो लोग ट्रेड करें. एंड द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनेट. और सल्तनेट में जो सेकेंड एक्सपेंशन हुआ, दूसरा एक्सपेंशन क्या हुआ था, अकर्ड जो सल्तनत थी, सल्तनत जो थी अकर्ड अलॉन्ग दी, मतलब एक तो इंटरनल एक्सपेंशन हुआ और दूसरा एक्सटर्नल फ्रंटियर एक्सपेंशन किया गया. और इसमें क्या एक्सपेंशन किया गया, एक्सटर्नल मतलब अपनी बाहर की बाउंड्रीज को बढ़ाया गया. दैट इज मिलिट्री एक्सपीडिशन ऑन टू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेज ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक. क्या किया गया, अलाउद्दीन खलजी के रेज में, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में जो साउथ इंडिया को लक्ष्य करके, मतलब साउथ इंडिया को एम किया गया था, साउथ इंडिया को क्या किया गया था, एम किया गया था कि जितने भी मिलिट्री एक्सपीडिशंस हैं, जो मिलिट्री एक्सपीडिशन जो स्टार्ट हुआ है साउदर्न इंडिया में ड्यूरिंग द किसके शासनकाल में, अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में जो स्टार्ट हुआ है, ये अभियान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल तक रहेगा. मीन्स कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसको, इस मिलिट्री एक्सपेंडिशन को स्टार्ट किया था साउदर्न इंडिया से, उसने इसको स्टार्ट किया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से. और उसने कहा कि इसको कंपेनियन कौन अभियान तक पहुंचाएगा, आगे कौन बढ़ाएगा, मोहम्मद तुगलक एंड इन देयर कंपेनियंस. एंड मतलब कि ये जो कंपेनियन है वो मोहम्मद तुगलक के समय में काफ़ी चरम सीमा, काफ़ी हद तक पॉसिबल हो पाए. एंड इन देयर कंपेनियन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्सेस स्लेव एंड कैरीड अवे प्रीशियस मेटल. क्या हुआ कि जो मिलिट्री एक्सपेक्टेशन को मतलब बढ़ाना था, आर्मीज को रखना था, तो इसके लिए उन्होंने साउदर्न इंडिया से इसको स्टार्ट किया. और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको स्टार्ट किया तो मोहम्मद तुगलक तक ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इन सैनिकों के पास बहुत सारी चीज़ें आए. दैट इज इस कंपेनियन में जो सल्तनत आर्मीज थी उन्होंने कुछ एलिफेंट्स को कैप्चर कर लिया, हॉर्सेस को कैप्चर कर लिया, कुछ स्लेव, कुछ दासी दासों को कैप्चर किया और कैरी उन्होंने कुछ मेटल्स को भी, प्रीशियस मेटल्स को भी अपने कब्जे में ले लिया. और बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रिज, जब मोहम्मद तुगलक का शासनकाल खत्म हो रहा था 150 ईयर आफ्टर सम वॉट हम्बल बिगनिंग, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. में जब दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत, मतलब जो दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी का जो स्टार्टिंग था वो बहुत ही कमज़ोर था, मतलब बहुत जो मार्च वो लोग कर रहे थे वो थोड़ा समाउ बहुत हम्बल था, उनकी जो बिगनिंग थी वो बहुत ही हम्बल थी. मगर 150 ईयर्स बाद क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक के रिज्म में, मोहम्मद तुगलक के राजकाल के रिज्म, जब तक मोहम्मद तुगलक के एंड में उनके राजकाल जब तक एंड हुआ तब तक क्या हुआ था कि मोहम्मद तुगलक का राज जब ख़त्म होने वाला था तो 150 इयर्स के बाद क्या हुआ, तब तक एक हम्बल बिगनिंग, सैनिकों की आर्मीज की एक हम्बल बिगनिंग हुई थी. बट उस आर्मी ने दिल्ली सल्तनत को हैड मार्च,
द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत है, उसने मार्च किया और अपने अंडर में मतलब लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अपने अंडर में ले लिया, लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अपने अंडर में ले लिया। यू कैन से मैप 3 में आप देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्टार्ट किया था साउदर्न इंडिया से, उन्होंने साउदर्न इंडिया के अधिकतर पार्ट को अपने कब्जे में ले लिया था। मोहम्मद तुगलक के एंड होते होते, मोहम्मद तुगलक का राज एंड होते होते उन्होंने इन सबको अपने कब्जे में ले लिया था। एंड द They had defeated rival armies and seized city. उन्होंने rival armies को defeat किया, हराया और मतलब अपने again जो भी opponent armies थी उनको हराया और seize उनकी cities को अपने कब्जे में ले लिया, उनकी सेनाओं को हरा के अपनी cities को मतलब उनकी cities को अपने कब्जे में ले लिया। और जो सल्तनत थी collected taxes from the पीसेंट्री, जो सल्तनत थी वो टैक्स किससे कलेक्ट करती थी, पीसेंट्री से कलेक्ट करती थी। एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रिलीफ, वो और क्या होता था, वो पीसेंट से टैक्सेस को कलेक्ट करती थी और क्या करती थी, डिस्पैच, वो जस्टिस भी करती थी, वो मुकदमों में फैसला भी सुनाते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर ए सच वास्ट टेरिटरी, लेकिन इतने मतलब वास्ट टेरिटरी पे इनका जो कंट्रोल था, किस सीमा मतलब इनका जो कंट्रोल था वो कहाँ तक इफेक्टिव हुआ, कहाँ तक कंप्लीट हुआ, कहाँ तक इफेक्टिव हुआ इनका वास्ट एरिया पे कंट्रोल, वास्ट एरिया पे कंट्रोल कहाँ तक इनका इफेक्टिव हुआ। एंड फिगर 2 में इन फिगर 2 आप देख सकते हैं, दैट इज कुवत, कुवत अल इस्लाम मस्जिद है, ये कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू एंड मॉस्क्यू एंड मीनारे, मॉस्क्यू एंड मीनारे हैं ये, ठीक है। कुछ कुवत अल इस्लाम मॉस्क्यू है, मस्जिद है और कुछ मीनारे हैं, ये जो डायग्राम्स है, ठीक है। डिकेट ऑफ दी 12th सेंचुरी में है, 12th सेंचुरी के आखिरी तक ये बनी थी। एंड दिस वॉज दी कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू ऑफ दी फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान। एंड ये क्या हुआ था, ये डिस्क्राइब इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली ई कुन्हा द ओल्ड सिटी। अगर आप इसकी बात करें तो ये जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है, सबसे पहले शहर में ये स्थित है, ये जो मस्जिद थे, जो मॉस्क्यूज थे, दैट इज। और आपने हिस्ट्री में इस सिटी का नाम पढ़ा था, दैट इज इस सिटी का क्या नाम था, दिल्ली ई कुन्हा, दिल्ली ई कुन्हा बहुत ओल्ड सिटी थी कहा जाता था, इस शहर को हम क्या कहते हैं, दिल्ली ई कुन्हा कहते थे। और इस मस्जिद का द मॉस्क्यू वॉज एनलार्ज्ड बाय, ये मॉस्क्यू इतुमिश एंड अलाउद्दीन खलजी ने इसको बनाया था, इस मस्जिद को मतलब इस मस्जिद को और बढ़ाया किसने था, इतुमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। और द मीनार वॉज बिल्ट बाय 2 सुल्तान, मीनार को दो लोगों ने बनाया था, आपने इस मीनार को दो लोगों ने बनाया था, मीनार वॉज बाय 2 सुल्तान, कुतुबिक ऐबक ने बनाया था और इल्तुमिश ने बनाया था, कुतुबिक ऐबक ने बनाया था और किसने बनाया था, इल्तुमिश ने बनाया था इस मीनार को। एंड फिगर 3 में क्या कहा है, बेगमपुरी मॉस्क्यू है, ये बेगमपुरी मस्जिद है, ठीक है। और बिल्ड इन द रिज ऑफ, ये किसके राजकाल में बना था, मोहम्मद तुगलक के, एंड वॉज द मेन मॉस्क्यू ऑफ जहापना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉस्क्यू है जहापना का, मतलब इम्पोर्टेंट मस्जिद है मॉस्क्यू। द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, हियर न्यू कैपिटल इन दिल्ली,
द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड इज न्यू कैपिटल इन दिल्ली। अगर देखा जाए तो ये बेगमपुरी मस्जिद है, ये मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहाँपना एक सिटी थी, नई राजधानी थी जहाँपना, ठीक है, कि मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। जहाँपना में इसको मुख्य मस्जिद के तौर पर बेगमपुरी मस्जिद को बनाया गया था जहाँपना सिटी में। थ्री सिटीज थी, हमने आपको थ्री सिटीज स्टार्टिंग में बताई थी, दैट इज दिल्ली, इकुन्हा, सीरी और जहाँपना। जहाँपना सिटीज में बेगमपुरी मॉस्क्यू को बनाया गया था जहाँपना सिटीज में। एंड द मस्जिद, दैट इज द मस्जिद, मस्जिद में अगर देखें तो दैट इज अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। जो मॉस्क्यू है उसको अ मॉस्क्यू इज कॉल्ड अ मस्जिद। हम मॉस्क्यू को क्या कहते हैं, मस्जिद कहते हैं अरेबिक वर्ड में लिटरली। और ये कौन सा प्लेस है, लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेटेड इन रिवरेंस टू अल्लाह। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ मुस्लिम यहाँ पर मतलब भगवान को अपने अल्लाह को की आराधना करते हैं, अल्लाह में मतलब सजदा करते हैं और घुटने और माथा टेक कर वो इसमें सजदा करते हैं। दैट इज इन कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू, मीन्स की कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू, मस्जिद ई जामी और जामा मस्जिद। कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू को किसको कहा गया था, जामा मस्जिद। मुस्लिम लीव देयर प्रेयर, वो यहाँ पर मतलब सब मुस्लिम्स मिलकर नमाज एक साथ पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं और नमाज एक साथ रीड करते हैं। एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्न्ड मेल एज देयर लीडर फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर। मतलब यहाँ रिचुअल्स, नमाज के रिचुअल के लिए जितने भी मेंबर्स ऑफ द जामा मस्जिद के जितने भी मेंबर्स हैं वो चूज करते एक मोस्ट रिस्पेक्टेड और लर्न्ड मेल को, मतलब मोस्ट रिस्पेक्टेड हो और लर्न्ड मेल हो, ठीक है, आदमी को चुनते हैं एज अ लीडर। और उस लीडर को क्या कहा जाता है, इमाम कहा जाता है। और उस लीडर को क्यों चुना जाता है, फॉर द रिचुअल, प्रेयर कराने के लिए, रिचुअल्स कराने के लिए। आपने सुना होगा जो मस्जिदों में 4:30 मॉर्निंग में जो बोला जाता है, ये उनको इमाम रहते हैं, इनको सेलेक्ट किया जाता है। और ही ऑल्सो डिलीवर द सरमॉन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। और वो जिनको वो सेलेक्ट करते हैं वो फ्राइडे को भी मतलब खुतबा, धर्मोपदेश, धर्मों के बारे में फ्राइडे को नमाज के दौरान ही वो धर्म उपदेश भी देते हैं, मतलब नमाज के दौरान ही वो धर्म उपदेश भी देते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेयर, प्रेयर में ही फ्राइडे की प्रेयर में वो ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ उनमें होती है। मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, क्या होता है, नमाज के दौरान जो मुस्लिम हैं वो मक्का की तरफ मुंह करते हैं। और इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो वो वेस्ट की तरफ फेस करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द किबला, दिस इज़ कॉल्ड द किबला, मतलब अगर नमाज जब वो लोग मुसलमान पढ़ते हैं तो वो लोग मक्का की तरफ अपने फेस को खड़े करते हैं, फेस करके मक्का की तरफ फेस करके खड़े होते हैं। और भारत में जो मक्का है वो पश्चिम की ओर पड़ता है, जो भारत में जो मक्का है वो वेस्ट की तरफ पड़ता है, वेस्ट मतलब पश्चिम, वेस्ट की तरफ पड़ता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, किबला कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, किबला कहते हैं। एंड द दिल्ली सुल्तान बिल्ड सर्वल मॉस्क्यूज इन सिटीज ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट, पूरे सब कॉन्टिनेंट्स में उन्होंने जगह जगह मस्जिदें बनवाई थी, अनेक शहरों में उन्होंने मस्जिदें बनवाई। एंड दीज मतलब सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने मस्जिदें बनाई, दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। और इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के मतलब इन्होंने ये जो डेमोन्स्ट्रेट किए, डेमोन्स्ट्रेट करता है जो उन्होंने मस्जिदों को बनाया, ये बताता है मॉस्क्यू को बनाने का रीज़न कि ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे इस्लाम को और मुस्लिम को, ये लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। और मॉस्क्यू ऑल्सो हेल्प,
जो मस्जिद है वो ऑल्सो हेल्प कर रही थी टू क्रिएट द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर हु शेयर्ड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट and it was necessary to reinforce the idea of community because Muslim came from a variety of groups. इसमें क्या कहा गया उनके जो वो पूरी तरह से सेफ्टी प्रोटेक्ट कर रहे थे मुस्लिम को और इस्लाम धर्म को और समान और उनका क्या था और इससे ये भी पता चलता है कि कुछ लोग कुछ कम्युनिटीज कुछ जो थी कुछ कम्युनिटी अभी भी इससे जुड़ी हुई थी और इससे ये भी पता चल रहा था कि जो मॉस्क्यू हमें हेल्प करती थी से हमारी कम्युनिटी जो बिलीवर थे वो अपने बिलीफ को सिस्टम को शेयर कर रहे थे अपने कोड ऑफ कंडक्ट को बना रहे थे मतलब कि अपने एक दूसरे से अपने व्यूज़ को शेयर कर रहे थे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से जुड़ रहे थे और एक कम्युनिटी का जो किसी भी कम्युनिटी को पावर में रहना ज़रूरी था क्योंकि जो मुस्लिम थे वो वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे तो उनमें भी क्या हो सकता था मुसलमानों में भी वैरायटी तो इनमें भी काफ़ी मतलब चेंजेस थे उनके आइडियाज़ में लेकिन इसीलिए कहा गया कि कुछ मुस्लिम्स के पार्ट्स को मतलब ताकतवर होना चाहिए।